दिन भर फैशन करती रहती होगी। Oh, look at me. मस्त दोस्तों से बात करती रहती होगी दिन भर। एंग्री बट खेल रही होगी तभी फोन नहीं उठा रही। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। पक्का डांस कर रही होगी घर पे। बढ़िया स्थान के तोड़ रही होगी। सुबह सबसे पहले उठ जाती हूँ मैं। उठते ही सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ मैं। बच्चों को तैयार करती हूँ, उनके बैग्स तैयार करती हूँ, उनके टिफिन तैयार करती हूँ मैं। उन्हें नाश्ता देती हूँ, उन्हें स्कूल भेजती हूँ मैं। आपको नाश्ता देती हूँ, आपके जाने के बाद पूरा घर को साफ करती हूँ मैं। पूरा घर साफ करने के बाद सबके गंदे कपड़े धोती हूँ मैं। कपड़े धोने के बाद किचन में आपके और बच्चों के फैलाए हुए सारे गंदगी को साफ करती हूँ मैं। साथ साथ आप सबके लिए लंच तैयार करती हूँ मैं। और वो जो डिनर के प्लेट्स आप खा के बच्चे खा के छोड़ देते हैं, जो नाश्ते के प्लेट्स और सारे बर्तन जो आप लोग गंदा करके छोड़ देते हैं, उन्हें वॉश करती हूँ मैं। जब तक मैं ये सारे काम करती हूँ, दोपहर का समय हो जाता है, बच्चों का आने का समय हो जाता है। उनके आने के बाद उन्हें नहलाती हूँ मैं, उनके कपड़े चेंज करती हूँ, उन्हें लंच देती हूँ मैं। दोपहर के वक्त मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ, तब मुझे 100 काम और याद आते हैं। फिर मैं जाती हूँ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के सारे कपड़ों को लेके आती हूँ, उन्हें घड़ी करके रखती हूँ। उसके बाद जब तक मैं ये करती हूँ, शाम हो जाता है। शाम होते ही मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनका पूरा पढ़ाई, उनका होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से डिनर बनाती हूँ। डिनर बनाने के बाद मैं फिर से पूरे बर्तन वॉश करती हूँ। जब मैं इन सब चीज़ों के बीच में मैं अपने लिए वक्त निकालना भूल जाती हूँ, इस मकान को घर बनाती हूँ मैं और इस घर को सुखी संसार बनाती हूँ मैं। फिर आप मुझसे ऐसा क्यों पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करती हूँ जो मैं इतनी थक जाती हूँ? हे भगवान, ये घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता है। हे शक्तिमान, मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दे। थैंक यू शक्तिमान, आप नहीं रहते तो मेरा क्या होता। हाय, थकी हूँ यार। ऐसा क्या करती है यार, तो दिन भर जो तू थक जाती है
ऐसा क्या करती हो? हाँ, शक्तिमान आया था, पूरा घर साफ करके गया और कहा किसी को भी नहीं बताना कि गंगाधर ही शक्तिमान है। हाँ,